हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 18 एम्पियर एक्जिम चार्जर के बारे में, जो 12 फैन का मॉडल है और ये एक्जिम का चार्जर है और ये 18 एम्पियर का है। तो सबसे पहले इसका अभी हम रिपेयर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अभी आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है और क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो मॉस्फेट यूज़ किया गया है, ये 4 मॉस्फेट यूज़ किया गया है और इसका मॉस्फेट का जो नंबर है, देखिए इसका मॉस्फेट का जो नंबर है 24N60M2 4 यूज़ किया गया है। अठारह एम्पियर के चार्जर में चलिए अब देखते हैं इसमें डबल लाइट क्या यूज़ किया गया है। इसमें डबल लाइट यही से दिखा जा रही है, MUA 30 और 60। डबल लाइट जो था 15 एम्पियर में वही लगाया गया है, लेकिन ये गलत लगाया गया है, ये ख़राब हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने 40 और 60 लगा सकते थे, ठीक है, वो बेटर रहता था। ये लगा ये फूटने का चांसेस ज़्यादा रहती है। तो चलिए और इसमें क्या चेंजेस किया गया है देखिए, इसमें जो 12 वोल्ट का जो सेक्शन है यही बनाया गया है। ये थोड़ा सा SMPS के, ये है स्विचिंग IC, वाइपर का IC है, स्विचिंग IC है, लगाकर यहीं से ट्रांसफार्मर से स्विचिंग करके यहाँ से 12 वोल्ट बनाती है। और ठीक है, इसमें 12 वोल्ट और 10 वोल्ट का जो फंडा है यही है, इसमें जिनन लगाकर नहीं किया गया है क्योंकि स्ट्रांगली चाहिए इसीलिए। और इसका जो कैपेसिटर है वो भी चेंजेस किया गया है, इसमें 450 वोल्ट और 470 UF का कैपेसिटर यूज़ किया गया है। और इसमें जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है वो देख सकते हो, वो एक यूज़ किया गया है, एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर के साथ 4 मॉस्फेट को ड्राइव करवाया जाती है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गया है, इसमें एक प्रोग्रामिंग भी चेंजेस किया गया है, कार्ड भी चेंजेस किया गया है। और ये प्रोग्रामिंग जब चार्ज हो जाएगा तो आपका बीप साउंड देगी। और देखिए पलट कर देखें हम इसका उल्टे साइड, ये देखिए ये जो ट्रांजिस्टर रहती है ड्राइवर ट्रांजिस्टर, ये भी SMD लगाया गया है। और ऑक्टोकपलर देखिए कितने ज़्यादा सेंस के लिए, ये ऑक्टोकपलर सेंस के लिए लगाया गया है। और ये जो ऑक्टोकपलर है ये इस ट्रांसफार्मर के और इस IC के फीडबैक के लिए, जो 10 वोल्ट 12 वोल्ट निकलता है। और इन पर ये जो ऑक्टोकपलर लगाया गया है ये इस IC को सेंस के लिए। तो ये 3525 IC नहीं है, 18 एम्पियर का इस मॉडल का एक्जिम चार्जर में जो IC यूज़ किया गया है ये 3525 IC नहीं है। इसका नंबर आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, UC28025DW इसका नंबर है। और इस IC में जो VCC आती है, ठीक है, इस IC में जो VCC आती है वो इस सर्किट से ही आती है। तो अब जब इसका VCC आएगा, इसका ये वर्क करने का तरीका कहाँ से है, इस कैपेसिटर से इसका डायरेक्ट वोल्ट आती है। जैसे आपका 3845 IC वगैरह का SMPS ई बाइक का चार्जर होती है, उसका VCC जो मेन कैपेसिटर से आती है, तो इसका भी सेम ये मेन कैपेसिटर से यही ऑन होती है। और यही से ऑन होने के बाद ये जो 12 वोल्ट घूम के यहीं पर आती है और फैन पे जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल सा बनाया गया है, लेकिन अब समझ जाओगे तो ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। और लगभग इसका जो चाइल्ड PC भी है सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, ठीक है। और ये चार्जर अच्छा बनाया है, ये इसका फ्रंट साइड का, इसका पंखा भी 2 कर दिया गया है। और इसका जो लाइट का अलग से पैनल किया गया है, तो इसको हम रिपेयरिंग करेंगे, तो अभी रिपेयरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये कैपेसिटर वगैरह आप देख सकते हो ये ख़राब हो चुका है। और यहाँ का जो फ्यूज है, फ्यूज भी
ख़राब हो चुका है, ये साइड से आप लोग कैमरा में नहीं देख सकते लेकिन ये ख़राब है। ठीक है, हम इसको रिपेयरिंग करेंगे और इसका कैपेसिटर वगैरह चेंज करेंगे। और इसका जो ट्रांसफार्मर है एमटी है, ये भी चेंजेस किया गया है। ये देख सकते हो ये कितना अच्छे क्वालिटी का लगाया गया है। ये एमटी अभी तो फ़िलहाल मार्केट में नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ टाइम जाने के बाद आ जाएगा, क्योंकि एक जूम का हर सामान मार्केट में मिल जाता है। तो ये है, इसका चेंजेस किया गया है। इसमें चारों मॉस्फेट है, ये आईसी है, ठीक है, ड्राइवर आईसी। ये जो आईसी लगाया गया है, इसका भी पिन, इसका भी वर्क सेम ही है, 3525 आईसी की तरह है, लगभग एक दो पिन चेंजेस है। इसका जो कंप्लीट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा एक जूम का ब्लॉक डायग्राम के ऊपर, ठीक है, इस आईसी का कौन सा पिन में कितना वोल्टेज आना चाहिए, ये सब वगैरह आपको मिल जाएगा, कहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले वोल्टेज वगैरह नोट करना पड़ेगा, इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों के पास वीडियो आएगा। तो अभी इसको रिपेयरिंग जब करेंगे, रिपेयरिंग वीडियो भी एक दो दिन में डाल देंगे, ठीक है। तो आज एक छोटा सा आप लोगों को नॉलेज देना था कि 18 एम्पीयर की एक जूम में ये क्या है और क्या नहीं है। और एक बात, एक नया भी 18 एम्पीयर एक जूम लॉन्च हो चुका है, इस मॉडल को बंद किया गया है, कंपनी ने बंद कर दिया है। और दूसरे जो मॉडल है वो सिंगल फैन का 18 एम्पीयर का चार्जर है, ठीक है, तो उस मॉडल को लॉन्च किया गया है, उसमें सेम ही है, एक जूम का ओल्ड मॉडल जैसा ही था वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, क्योंकि आप जब तक लाइन नहीं दोगे तो उसका आईसी में VCC नहीं आएगा, और थोड़ा सा बहुत कुछ चेंजेस किया गया है, यही सब फंडा है। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, तो इसका रिपेयरिंग वीडियो भी आएगा और ब्लॉक डायग्राम भी आएगा।